पांच राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की कई जगहों पर लगभग लगभग जीत हासिल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर जम्मू में हर्षोल्लास के साथ जश्न मनाने का जो प्रारंभ है वो शुरू हो चुका है और चार राज्यों में इस समय लगभग लगभग जो लीड है वो चल रही है। यहाँ पर आप देखेंगे कि हलवे के साथ जो है इस खुशी को मनाया जा रहा है और भाजपा कार्यालय में इस समय जोश चरम पर है। यहाँ पर कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। विनय जी किस तरह की खुशी है इस समय मनाई जा रही? आज जैसे यूपी, नैनपुरी, उत्तराखंड और गोवा में जीत हुई है हमारी, अभी आगे जम्मू कश्मीर की है बारी। जितने प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का पंचम लहराया है, आने वाले दिनों में 50 से पार जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बदौलत नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसियां और भारतीय जनता पार्टी जो कार्यशाली है उसके बदौलत नारा अचीव होगा और जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी अगली गवर्नमेंट बनेगी। जम्मू कश्मीर में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या समझते हैं? देखो, कार्यकर्ताओं का मनोबल आगे बहुत हाई है और मुझे अपना पूरे कार्यकर्ता विश्वास है, जितने कार्यकर्ता अपने कार्यशाला कार्य कर रहे हैं, जो लोगों बीच में जा रहे हैं, हम कार्य कर रहे हैं, एक संदेश गया है कि जो कार्य करेगा वही द्वारा वापस आएगा और चारों प्रदेशों हमारी गवर्नमेंट द्वारा वापस आ रही है और यूपी में और साउथ ईस्टर्न में प्रचंड बहुमत से स्टेट आई है और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते सभी को मुबारकबाद देता हूँ। जय जय भारत। भाजपा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है विनय गुप्ता जी और एक जश्न का माहौल है। मैम, किस तरह का जश्न इस समय मनाया जा रहा है? आज बहुत खुशी का दिन है। भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में जीत हुई है। ये लोगों का प्यार है, लोगों का विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। आज लोगों ने फिर से एक बार ये जतला दिया कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी उनके हित में है तो वो भारतीय जनता पार्टी ही है। क्या लगता है इसका जम्मू कश्मीर पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? जम्मू कश्मीर पर प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर फिर से भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार आएगी। सबसे ज्यादा किस पार्टी पे होगी? कांग्रेस पे, नेशनल कॉन्फ्रेंस पे, पीडीपी पे? हम किसी पार्टी को काउंटिंग में लेते नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की ही जीत होगी। इस समय जोश जो है वो पूरा चरम पर है और भारतीय जनता पार्टी के भाजपा कार्यालय में इस समय जोशो खरोश जो है वो खुशी मनाई जा रही है। सर, क्या समझते हैं जम्मू कश्मीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा इन जीतों का? देखिए, एक तो कार्यकर्ताओं को जो हौसला है वो बुलंद हुआ इससे, और दूसरा धार्मिक तृष्टिकरण की जो राजनीति थी, जात पात की जो राजनीति थी, उसको लोगों ने यूपी में भी और पूरे देश में दरकिनार कर दिया है और प्रधानमंत्री जी ने और योगी आदित्यनाथ जो हमारे यशस्वी जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस मिथ्य को तोड़ा है कि जात पात की राजनीति के ऊपर लोग जो है वो कहा जाता था कि भाजपा हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। नहीं, अगर ऐसा होता तो आप देखेंगे ये नतीजे थोड़े आते। और दूसरी बात यह है कि एक बार सरकार में होना है और उसके बाद दोबारा जो है वो रिपीट करना ये बहुत मायने रखता है। और सारी जो मोदी जी का सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जो ये नारा है, इसने काम किया और लोगों ने विश्वास व्यक्त किया और इससे भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली है। बिल्कुल, कई तरह की मिथ्य थी जो कि मिथ्य इन रिजल्टों के साथ जो है वो साफ तौर से जाहिर हो गई। स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद है प्रदीप जी। प्रदीप जी, क्या मानते हैं कि जम्मू कश्मीर में इसका सबसे ज्यादा क्या असर पड़ेगा? देखिए, जैसे यूपी में लोगों ने एंटी इनकम्बेंसी वेव को हराते हुए दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की विकासशील रणनीति को चुना है और ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है वहां के लोगों ने कि योगी और मोदी, महायोगी की जो ये जोड़ी है, ये वहां पर पूरे विकास के कार्यों को और आगे गति देगी और दंगाइयों को, गुंडागर्दों को जो है वहां से खत्म करेगी। वैसे ही जम्मू कश्मीर में भी इसका सीधा सीधा असर हमें देखने को मिलेगा और आने वाले समय में मैं पूरे यकीन के साथ ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ही यहां का मुख्यमंत्री देगी। पहली बार जम्मू कश्मीर के इतिहास में ऐसा होगा कि लोग पूरे मन के साथ भारतीय जनता पार्टी को, पूरा जो 50 का आंकड़ा पार करने का हमारे यहाँ पर रविंद्र रैना जी अध्यक्ष का जो नारा है वो पूरा होगा और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। बिल्कुल जोश आप देख सकते हैं। और एक चीज जाहिर है कि सबसे ज्यादा यदि जम्मू कश्मीर में की बात करें तो जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ेगा वो शायद कांग्रेस पार्टी पर पड़ने वाला है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को एक करारा झटका इन राज्यों में लगा है उसे साफ तौर से जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी का भी मनोबल जो है वह टूट सकता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी वो अपनी पैंठ वापस बनाना चाहते हैं। यदि अन्य राज्यों में नहीं हुआ, ऐसे में इसका असर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी पर क्या होगा, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा जो हम कांग्रेस से भी जाने की जरूर कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल भाजपा कार्यालय में जश्न का माहौल है, ढोल नगाड़ों के साथ यहां पर उन राज्यों की खुशी मनाई जा रही है जहां पर भाजपा ने अपनी जीत हासिल की है और इससे इन्हें लग रहा है कि अब जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में मुख्यमंत्री भाजपा का ही बनेगा और भाजपा एक प्रचंड जीत जो है वो जम्मू कश्मीर में भी हासिल करेगी। फिलहाल आप जुड़ रहे हैं व्यू स्टूडियो न्यूज के साथ।